दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप लोग को एक अच्छा सा हेवी ड्यूटी स्टील का बना हुआ लॉन्ग टाइम टिकाऊ बहुत ही अच्छा सॉलिड पंपर खरीदना चाहते हैं साइकिल के टायर में हवा देने के लिए, तो फिर आज मैं आप लोग लाया हूं, ये रहा देख लीजिए दोस्तों। ये आप लोग पंपर देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टील का बना हुआ हेवी ड्यूटी लॉन्ग टाइम टिकाऊ वाला पंपर है। तो इस पंपर से आप लोग अपने साइकिल में आराम से हवा दे पाएंगे, उसके बाद आप लोग चाहे तो फुटबॉल में भी हवा दे पाएंगे, फिर आप लोग बाइक में भी हवा दे पाएंगे, और अगर आप लोग का फोर व्हीलर कोई गाड़ी है तो आप लोग उसमें भी हवा आराम से दे पाएंगे। दोस्तों ओवरऑल इसके थ्रू आप लोग किसी भी चक्के में आराम से हवा दे पाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस पंपर को मैंने अपने गली मोहल्ले के एक तो मैन्युफैक्चर कंपनी से खरीदा है, तो मुझे बहुत ही सस्ते प्राइस में ये मिल गया है। मैंने इसको करीबन 250 रुपए देके इसको मैंने गली मोहल्ले एक तो मैन्युफैक्चर कंपनी से खरीद लिया है। दोस्तों मेरे को बहुत ही कम दाम में ये मिल गया है। तो अगर आप लोग इस पंपर को ऑनलाइन से खरीदने जाएंगे तो आप लोग को करीबन 500 रुपए 520 रुपए कुछ ऐसा आप लोग को देना पड़ जाएगा। प्राइस फ्लक्चुएट करता ही रहता है, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत दाम जो है ऊपर नीचे जाता ही रहता है। तो मैंने इसका बाय लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, Amazon Flipkart दोनों स्टोर का लिंक को दे दिया है। लेकिन दोस्तों पहले आप लोग जान लीजिए, आप लोग Amazon Flipkart से अगर खरीदते हैं तो आप लोग करीबन 500 रुपए उससे ज्यादा ही पड़ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको गली मोहल्ले की दुकान से, एक तो मैन्युफैक्चर वाला कंपनी हम लोग गली मोहल्ले में, नतुमगर हम लोग का एरिया का नाम है, वहां पर छोटा सा मैन्युफैक्चर का कंपनी है, मैंने वहीं से खरीदा है। तो मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल गया है, ठीक है, करीबन 250 रुपए में। तो चलिए आज मैं आप लोग को इस पंपर को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोग इसके बारे में अच्छे से पूरा समझा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा सॉलिड पंपर खरीदने में बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद दोस्तों कैसे पंपर से साइकिल में हवा देते हैं वही मैं आप लोग करके दिखा दूंगा, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा पंपर, आप लोग अच्छे से पूरा देख लीजिए, कुछ ऐसा आप लोग देखिए बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों इसको मैंने अपने गली मोहल्ले की दुकान से खरीदा है, इसलिए मेरा जो पैकेट है पूरा फट गया है, आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने टेप यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। आप लोग इसका ब्रांडिंग को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है एयर क्विक, ठीक है, देखिए गोल्ड। तो चलिए अब मैं आप लोग इसको खोल के दिखा देता हूँ, इसको ऐसे फाड़ेंगे तो ये खुल जाएगा, देखिए ये निकल गया है, देख लीजिए आप लोग। और आप लोग इसके इस बोर्ड में यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये है मेड इन इंडिया एयर क्विक, देखिए बाइसाइकिल एयर पंप, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका प्राइस भी देखिए लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका देखिए कस्टमर केयर नंबर है, पूरा सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्राइस देखिए ये रहा, देखिए देखिए क्वालिटी है, देखिए बीसीपी कोलोराडो और देखिए एमआरपी देखिए 370 रुपीज, ठीक है। दोस्तों ये जो आप लोग प्राइस देख रहे हैं ना, मेरे को ये प्राइस देना नहीं पड़ा है, मुझे करीबन देना पड़ा है क्या बोलते हैं 220 मुझे देना पड़ा है। दोस्तों हम लोग गली मोहल्ले में इसका एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसलिए मेरे को ये बहुत ही कम दाम में मिल गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ आप लोग, तो चलिए अब मैं आप लोग इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, देखिए आप लोग कुछ ऐसा देखिए, आप लोग प्लास्टिक में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे खोल देता हूं, यहां पर देखिए इसको आप लोग ऐसे खोलिए, बहुत ही भारी है ये वाला, ठीक है, देखिए तो ये पूरा निकल जाएगा। दोस्तों जैसे आप लोग इसको खरीदेगा ना, तो ये पूरा कनेक्ट नहीं रहेगा, ये वाला कनेक्ट नहीं रहेगा, और ये जो पाइप देख रहे हैं ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इस पाइप को यहाँ से कनेक्ट कर लिया है, आप लोग देख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर देखिए आप लोग वॉशर देख रहे हैं, आप लोग को ये वॉशर मिल जाएगा और ये पाइप यहाँ से पूरा खुला हुआ रहेगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, सिंपली आप लोग इसको यहाँ पर बैठाइएगा, बैठने वाले यहाँ पर इसको घुमाइएगा रेंज से, तो ये टाइट हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है इसको कनेक्ट करना। चलिए ये तो हो गया, अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो आप लोग हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं रहेगा, तो आप लोगों को खुला हुआ मिलेगा, आप लोग इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, सिंपली यहाँ पर आप लोग इसको बैठाइएगा, फिर आप लोग नट से कस दीजिएगा तो हो जाएगा, और कुछ नहीं। दोस्तों मैंने इसको दो तीन दिन इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में क्या इसका जो कैसे क्या इस्तेमाल करना है पूरा मैं अच्छे से पूरा सीख गया हूँ, तो अब मैं आप लोग अच्छे से पूरा समझा पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एयर क्विक गोल्ड। दोस्तों ये जो आप लोग पंपर देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा खासा इसका वेट है, करीबन इसका 1 किलो के करीबन तो वेट होगा ही होगा, मेरे को उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 1 किलो करीब इसका वेट होगा है, ठीक है। और तो ये आप लोग पाइप देख रहे हैं, देखिए पाइप भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, देखिए
ठीक है। और तो ये जो आप लोग मुंह देख रहे हैं, देखिए उस जैसे ही उस तो आप लोग इसको साइकिल में लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो पहले वाला आप लोग होल देख रहे हैं, इससे आपका साइकिल का टायर में हवा जाएगा, ठीक है, ये पहले वाला होल से। और ये सेकंड वाला आप लोग देख रहे हैं, इससे आप लोग बाइक में हवा दे पाएंगे, कार में हवा दे पाएंगे, फिर आप लोग फुटबॉल में हवा दे पाएंगे। तो इससे हवा देने के लिए आप लोग एक अलग से एक हेड खरीदना पड़ता है। आप लोग पिक्चर को देख लीजिए, इसमें पिक्चर में आप लोग हेड को देख रहे हैं, उसको आप लोग साइकिल दुकान से अलग से खरीदना पड़ता है। उसको खरीद के आप लोग यहाँ पर बैठा के आप लोग बाइक में, कार में, फुटबॉल में आप लोग हवा दे पाएंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास है नहीं, तो सिंपली मैं इससे साइकिल में हवा दे पाऊंगा इस होल के थ्रू, ठीक है। इस होल को बैठा के जो हवा देने का जगह रहता है वेल्व पिन में, और इसको ऐसे लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, फिर आप लोग हवा दे पाएंगे। तो मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग कभी पंपर खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पूरा स्टील वाला खरीदिए। देखिए मेरा पूरा स्टील है, देख लिया आप लोग, पूरी तरह से स्टील वाला है, तो आप लोग ऐसा ही स्टील वाला खरीदिए, क्योंकि भारी भरकम होगा। और देख लीजिए कुछ ऐसा आप लोग को देखने के लिए मिलना चाहिए, देखिए अंदर से एक तो रॉड निकल के आएगा, ठीक है। दोस्तों जो जो पंपर चाइना वाला होते हैं, ठीक है, उनमें ये रॉड नहीं रहता है, पूरा प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, और सिर्फ पूरा ये बॉडी आगे जाता है, और ये रॉड का फंक्शन जो है नहीं रहता है, और यहाँ से वो डिस्कनेक्ट होकर ऊपर जाता है, फिर हवा आता है। दोस्तों वो जो पंपर है ना, वो अच्छा नहीं होता है। ये जो पंपर है, ये आपका 5 से लेकर 10 साल आराम से चल जाएगा, आराम से, ठीक है। सिर्फ क्या ये लॉन्ग टाइम के बाद थोड़ा जंग खाएगा, लॉन्ग टाइम के बाद। तो आप लोगों को जंग से बचाने के लिए इसको सिर्फ थोड़ा सा रंग कर देना पड़ेगा, तो क्या ये आपका 10 साल आराम से, मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। सिंपली सिर्फ क्या इसमें अगर कोई फट जाता है जंग खा के, तब आप लोगों का कोई कुछ क्या बोलते हैं चेंज करने का मौका आएगा, अदरवाइज इससे कोई भी आप लोगों को चेंज करने का कंडीशन आएगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पूरा लोहे का बना हुआ ये है, और ये है स्टील का, और देखिए ये है पैर रखने वाला चीज, देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग पैर रख के हवा दे पाएंगे। और दोस्तों ये जो देख रहे हैं, ये बहुत ही भारी है, इससे आप लोग ऐसे हवा देंगे तो यहां से हवा निकलेगा, देखिए देखिए देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए अब मैं आप लोगों को खुद के साइकिल में कैसे आप लोग हवा देंगे पूरा मैं को लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये रहा मेरा साइकिल, आप लोग अच्छे से पूरा देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग साइकिल के चक्के में हवा भरेंगे, ठीक है। तो ये रहा पहले वाला चक्का, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने हवा को पूरा निकाल दिया है, आप लोग देख लीजिए, देखिए हवा नहीं है, देखिए देखिए पूरा देखिए एकदम हवा जीरो है, ठीक है। दोस्तों ये जो आप लोग वेल्व पिन देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके भी साइकिल हो, बाइक हो, या फिर आपका गाड़ी हो, जो भी होगा आपके वहां पर चक्के में कुछ ऐसा आप लोगों को वेल्व पिन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वेल्व पिन में हम लोगों को हवा को देना है, ठीक है। दोस्तों आप लोग चाहे तो इसको पूरा एक बार खोल के, ठीक है, पूरा देखिए ऐसे आप लोग खोलिएगा, खोलने के बाद इसको ऐसे निकालिएगा, और आप लोग इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, ये फटा हुआ है कि नहीं, या फिर इसमें कोई लीक है कि नहीं, या फिर ये टूटा हुआ है कि नहीं, पूरा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद आप लोग इसको यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे अच्छे से पूरा एकदम बैठा दीजिएगा, फिर ये जो इसका जो नट है देखिए, जिससे ये लॉक होता है, इसको आप लोग इसको यहाँ से अच्छे से पूरा कस दीजिएगा, देखिए। चलिए ये तो पूरा इसको अच्छे से स्ट्रांग से कस दीजिएगा, आप देखिए आप चलिए कैसे इसे हवा देना है। देखिए मैं अपना पंपर खुलाता हूँ, देखिए देखिए ये रहा मेरा पंपर, इसको मैं लाऊंगा, देखिए मैं यहाँ पर ले आया हूँ, और यहाँ पर इसको नीचे इसको ऐसे रखता हूँ, इसमें मैंने पैर रख दिया। अब देखिए मैं ये जो पाइप है, देखिए ये जो दोस्तों पाइप का आप लोग मुंह देख रहे हैं, देखिए ये जो आप लोग पहले वाला देखिए मुंह है, देखिए ये वाला, ठीक है, इस पहले वाले मुंह से साइकिल में आप लोग हवा दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी मुंह से आप लोग साइकिल में हवा दे पाएंगे। और ये सेकेंड वाले मुंह से, इससे आप लोग दूसरे में बाइक हो, या फिर आपका गाड़ी हो, फुटबॉल हो, उससे आप लोग हवा दे पाएंगे। तो इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसको आप लोग कनेक्ट करने के लिए पहले आप लोग ये जो लॉक देख रहे हैं, इसको आप लोग ऐसे रखना होगा, इसको बंद नहीं रखिएगा वरना नहीं होगा, इसको ऐसे रखिएगा। फिर देखिए इसमें हम लोग को इसका हेड को घुसाना होगा, आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये रहा, इसको मैं देखिए यहां पर बैठा दिया हूं। अब देखिए ये जो आप लोग लॉक देख रहे हैं, इसको देखिए लॉक हो गया, देखिए देखिए अब देखिए नहीं खुलेगा, देख लीजिए आप लोग, देखिए लॉक हो गया है पूरा, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने बैठाया है, फिर मैं इसको चाप दिया तो ये पूरा लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। चलिए पूरा सेटिंग हो गया है, हवा देख लीजिए पूरा जीरो हवा, आप लोग लाइट पूरा देख लीजिए पूरा जीरो है, देख लीजिए, ठीक है, और ये लॉक हो गया है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को ये जो आप लोग पंपर देख रहे हैं, अब हम लोग को इसको ऐसे 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 एक हाथ से नहीं होगा, तो दो हाथ से आप लोगों को इसको अच्छे से पूरा पकड़ के, यहाँ पर एक हाथ और यहाँ पर एक हाथ को रख के पूरा जोर जोर से 10-20 बार चापना पड़ेगा तो हवा भर जाएगा। तो मैं कैमरे को साइड में रख देता हूँ, देखिए मैं पंपर से ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए हवा जा रहा है, देखिए आप लोग आवाज को सुन पा रहे होंगे,
देखिए चक्का में देखिए हवा जा रहा है, आप अच्छे से देखिए, देखिए बहुत टाइट हो गया, आप लोग देख लीजिए, पहले देखिए पूरा जीरो हवा था, अभी देखिए थोड़ा सा हवा आ गया है। देखिए मैं और भी टाइट करूंगा इसको, देखिए करीबन मैंने इस पर 30 बार पंप कर दिया है, ठीक है, करीबन 30 बार पंप कर दिया है, तो मेरा चक्का देखिए टाइट हो गया, देखिए पूरा देखिए एकदम टाइट हो गया, देखिए एकदम, देखिए एकदम पूरा टाइट हो गया, देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए टाइट हो गया है, देखिए हवा से पूरा देखिए टाइट हो गया है, तो पूरा हवा देने का काम हो गया है। अब देखिए जैसे हवा हो जाएगा आपका, तो इसको आप लोग ऐसे ऊपर प्रेस कीजिएगा तो ये खुल जा रहा है, देखिए पूरा खुल गया है। तो देखिए हम लोग का पूरा हवा देने का काम पूरा हो गया। दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरा लाइव दिखा दिया कि कैसे आप लोग इस पंपर से आप लोग अपने साइकिल में हवा भरेंगे, और आप लोग के लिए बेस्ट पंपर कौन सा होगा, आप लोग क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने इस पंपर का बाय लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग लिंक को चेक कर लीजिएगा, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।